हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, रिसेंटली वर्जन 3 में DPT3 फॉर्म डिप्लॉय हुआ था और लगभग 9 फॉर्म्स अभी तक MCA V3 में कंपनीज के 9 फॉर्म्स रोल आउट हो चुके हैं और होपफुली दिसंबर या फिर जनवरी तक बाकी सारे कंपनीज के जो फॉर्म्स है वो रोल आउट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, DPT3 में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है स्टेक होल्डर्स को आई है और वो प्रॉब्लम ओपनिंग बैलेंस हो, चाहे रीपेमेंट हो या एडजस्टमेंट हो, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे DPT3 इन वर्जन 3 ऑफ MCA। यहाँ पे फ्रेंड्स, DPT3 के अंदर सबसे मेन जो मेजर पॉइंट ये करना है कि एजिंग ऑफ लोन जो पहले DPT3 में नहीं था, और पहले V2 में जो DPT3 था उसके अंदर सिर्फ आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना था, ना कि ओपनिंग बैलेंस, एडजस्टमेंट, रीपेमेंट या फिर कोई इंक्रीज और डिक्रीज इन द लोन अमाउंट। तो यहाँ पे आपके जो कॉलम्स है वो थोड़े से एक्सपेंड हो चुके हैं एंड एजिंग ऑफ लोन का भी एक नया फीचर ऐड। फ्रेंड्स, एक बार DPT3 फॉर्म जो हमने डाउनलोड किया वर्जन 3 ऑफ MCA उसका एक जो फॉर्म है आपके साथ हम शेयर करते हैं, प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि DPT3 फॉर्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहे। फ्रेंड्स, यहाँ DPT3 फॉर्म जो है ये वर्जन 3 से हमने डाउनलोड किया है और यहाँ पे सबसे पहले आपको सिन प्रिफिल करना है। सिन प्रिफिल करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा जो हमने अभी यहाँ पे हाइड कर रखी है। एंड थर्ड वन इज पर्पज ऑफ द ई फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पे चार पर्पस दिए गए हैं, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बाय कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, देन वन टाइम रिटर्न। फ्रेंड्स, ये चारों जो ऑप्शन थे ये V2 वर्जन के जो DPT3 था उसके अंदर भी एप्लीकेबल था ये चारों पॉइंट्स। तो जनरली जो प्राइवेट कंपनीज होती है या फिर कोई भी कंपनीज होती है जहाँ पे डिपॉजिट्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट है कोई भी ट्रांजेक्शन, तो सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ सेलेक्ट करना आपको वेदर द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिल होता है। जैसे ही आप सिन प्रीफिल करते हो तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वहाँ प्रीफिल होता है। देन पीरियड फॉर विच रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड, दैट इज 31 मार्च 2022, अगर आप 2021-22 का फाइल कर रहे हो। एंड 8A, B, C। फ्रेंड्स, यहाँ पे बी एंड सी एप्लीकेबल नहीं है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज हमने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है इन द पर्पज ऑफ द ई फॉर्म, इसका मतलब हमने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इसका मतलब 8B, C एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड, नाइन्थ पॉइंट इज नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटर बैलेंस शीट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द रिटर्न। फ्रेंड्स, ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है कि DPT3 जो है फॉर्म है वर्जन 3 ऑफ MCA का, वहां पे ये जो अमाउंट है ये अमाउंट फिल नहीं हो पा रही है, एडिटेबल नहीं है बॉक्सेस। तो यहाँ पे काफी सारे स्टेक होल्डर्स ने विदाउट फिलिंग द नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटर बैलेंस शीट उन्होंने DPT3 फॉर्म अप्रूव करवाया है। और यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और यहाँ पे सीरियल नंबर बी में एक्यूमुलेटेड लॉस, बैलेंस ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपका DPT3 वर्जन 3 ऑफ MCA में वहाँ एडिटेबल ऑप्शन है तो नेटवर्थ आपको मैंडेटरी है पुट करना, अगर नहीं है तो आप प्राइमा फेसी एक बार आप अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी अटैच कर सकते हो सिंस द फॉर्म इज नॉट गेटिंग एडिटेड। तो यहाँ पे नेटवर्थ आएगा, नेटवर्थ के बाद में टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, अगर डिपॉजिट्स है और यहाँ डिपॉजिट्स की डिटेल आएगी 11th पॉइंट पे, और उसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ लिक्विड एसेट्स या लिक्विड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये डिटेल है 13th पॉइंट में, ये डिटेल थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल का करना होगा। एंड उसके बाद में पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस, देन जो फ्रेंड्स 15th पॉइंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी और लोन बाय कंपनी बट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल। यहाँ 15th पॉइंट में अगर हम पर्पज ऑफ द ई फॉर्म सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग 15th पॉइंट अपना जो एक्सपेंड होता है, यहाँ डिटेल्स ऑफ लोन होगा इन INR, इंडियन नेशनल रुपी एंड एजिंग ऑफ द लोन इन ईयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन ये आता है कि एजिंग ऑफ लोन में हमें ईयर्स लिखना है क्या, लाइक 1, 2, 3, 4 और 5? तो यहाँ पे ईयर्स नहीं आएगा क्योंकि ईयर्स ऑलरेडी मेंशन है, लोन आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, लोन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 3 ईयर, लोन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यहाँ पे अमाउंट आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ईयर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, 21 मतलब 1 साल के लिए लोन बाकी है आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप जो है इस सेक्शन में यहाँ पे पुट करोगे अकॉर्डिंगली, आपका लोन जितना आउटस्टैंडिंग है वो आप कब तक आउटस्टैंडिंग है, लोन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा का है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे
डिटेल्स ऑफ लोन में पहले V2 वर्जन का जो DPT3 था वहां सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट आता था, लेकिन वर्जन 3 ऑफ MCA में डिटेल ऑफ लोन में आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, एडिशनल लोन ड्यूरिंग द ईयर, रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, एनी अदर एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो फ्रेंड्स जनरली यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो भी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट, उसके बाद में अगर कोई एडिशनल लोन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको सिर्फ अमाउंट लिखनी है, माइनस करके नहीं लिखनी है, बिकॉज आप जैसे ही अमाउंट लिखोगे, पॉजिटिव अमाउंट लिखोगे, तो ऑटोमेटिक डिडक्टेड क्लोजिंग बैलेंस आपको शो होगा इन द 5th कॉलम। एनी अदर एडजस्टमेंट अगर कुछ है, यहाँ पे एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पॉइंट एज इट इज है। बस इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेल्स ऑफ लोन एंड एजिंग ऑफ लोन में 5 कॉलम्स इसमें एंड 3 कॉलम्स इसमें, मीन्स ये टोटल 8 कॉलम एड हुए है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको हर जगह 0 मैंडेटरी है पुट करना, वरना आपका सेव या फिर नेक्स्ट करते टाइम एरर आ सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली हमारे केस में एज सच कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं था, तो आपको सब जगह 0 फिल करना है। और आपको ये भी नोट करना है कि अगर आपको माइनस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि कोई भी फॉर्म, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे माइनस डाल रखा है और माइनस हमारा एक्सेप्ट भी हो गया था, तो आई थिंक वो वर्जन 3 में टेक्निकल इशू के कारण एक्सेप्ट हो गया, वरना रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर है, तो वहाँ पे अगर 162 अमाउंट है तो 162 यू हैव टू राइट ओनली 162, नॉट इन द -1, क्योंकि वो माइनस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस आपको पुट नहीं करना है, हमारा शायद वर्जन 3 में टेक्निकल इशू के कारण रीपेमेंट में माइनस एक्सेप्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पे आपको 0 पुट करना है एंड अकॉर्डिंगली एजिंग ऑफ द लोन आपको पुट करना है। फ्रेंड्स DPT3 में ये जो पॉइंट से काफी मेजर है, यहाँ आपको लेजर चेक करना होगा, लेजर में चेक करना होगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी पहले से क्या चल रहा है, और उस लोन पे ऑलरेडी कोई एडिशन हुआ है या फिर कोई रीपेमेंट हुआ है या फिर कोई एडजस्टमेंट है, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 आपको यहाँ पे पुट करना है। फ्रेंड्स उसके बाद में है पॉइंट क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेंड, अगर किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लाइक क्रिसिल या फिर किसी भी रेटिंग एजेंसी से अगर कोई रेटिंग ऑब्टेंड है तो वो यहाँ पुट करना है। एंड यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट्स आपके लिए है, अटैचमेंट्स आई थिंक कोई अटैचमेंट मैंडेटरी तो नहीं है यहाँ पे। एंड उसके बाद में स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो है, यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रोल जो है कंपनी का, जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर है जिसने बैलेंस शीट साइन की है, जिसने ऑडिट किया है स्टैच्यूटरी ऑडिट, उस CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आपको यहाँ पे DSC लगाना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स यहाँ पे उसके साथ साथ आपको मेंबरशिप नंबर डालना है, देन डिक्लेरेशन के बाद में यहाँ डायरेक्टर का साइन लगेगा। डिन ऑफ द डायरेक्टर और डिन और पैन नंबर ऑफ द मैनेजर, CEO, CFO और मेंबरशिप नंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। इफ द कंपनी इज हैविंग CS तो वहां पे उस CS का यहाँ पे साइन लगेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, CFO, CEO साइन कर सकते हैं डिजिटली साइन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिटेल्स ऑफ लोन में 5 कॉलम एड हुए हैं एंड एजिंग ऑफ लोन में 3 कॉलम एड हुए हैं, जिनका आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारी डिटेल फीड करनी है। अकॉर्डिंगली स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जिन्होंने आपकी स्टैच्यूटरी ऑडिट की है, उसका साइन करना मैंडेटरी है, उसका DSC लगाना मैंडेटरी है, एंड अकॉर्डिंगली डायरेक्टर का DSC लगेगा। उसी के बाद में फॉर्म जो है, ये फॉर्म फाइल होगा, अपलोड होगा इन वर्जन 3 ऑफ द MCA। फ्रेंड्स यहाँ पे DPT3 में काफी टेक्निकल इश्यूज जब स्टार्टिंग में रोल आउट हुए थे उस टाइम पे आई थी, कि आपका जो रीपेड का फिगर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर नेटवर्थ जो है वो यहाँ पे हम टाइप नहीं कर पा रहे, या फिर यहाँ पे जो बॉक्स है वो एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है, काफी इश्यूज थे और काफी एग्जिस्टिंग है भी। हमने ऑब्जर्व ये भी किया है कि नेटवर्थ जो है वो एडिट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए काफी स्टेक होल्डर्स ने जो नेटवर्थ का जो कॉलम 9th है, 9th जो टेबल है, उसको ब्लैंक रखा है, बिकॉज वो नॉन एडिटेबल है। और अकॉर्डिंगली DPT3 काफी सिंपल सिंप्लीफाइड तरीके से आप फाइल कर सकते हो। और DPT3 में अगर वर्जन 3 ऑफ MCA में अगर धीरे धीरे कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है, टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल ग्लिचेस अगर कुछ सॉल्व होती है, तो हम डेफिनेटली उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह के जो वीडियोज हैं, इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है फॉर DPT3 या वर्जन 3 ऑफ MCA पे, तो इस पे हमने काफी वीडियोज आपके लिए बनाए हैं। तो आपको लगता है कि हमारे वीडियोज फ्रूटफुल है आपके लिए, यंग डायरेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स के लिए, तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।